नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अनुप्रिया पटेल के गढ़ में सपा प्रत्याशी को मिली बड़ी जीत। मिर्जापुर जनपद के राजगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के गढ़ में समाजवादी पार्टी ने दी पटकनी। राजगढ़ जिला पंचायत सदस्य उपचुनाव में अपना दलेसवा बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी आरती देवी को हराकर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने किया जीत दर्ज। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शील कुमारी ने अपना दलेस की प्रत्याशी आरती कोल को 471 मतों से हरा दिया है। अपना दल एस की विधायक रिंकी कोल के विधायक बन जाने के बाद खाली हुई थी सीट। सपाइयों ने पटाखे छोड़कर मनाया जश्न। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने बीजेपी और अपना दल एस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब हमारी शुरुआत अच्छी हो गई है, जनता का जुड़ाव समाजवादी पार्टी से हो रहा है। और वहीं घोसी विधानसभा सीट जीतने पर उपचुनाव बीजेपी और मोदी की हार बताया। वहीं विजयी प्रत्याशी ने बताया कि यह लड़ाई शेर और बकरी की थी, जहां एक तरफ जानी मानी हस्तियां लगी हुई थी तो वहीं दूसरी ओर गरीब तबके के लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर, धन्यवाद। कौन सा चुनाव जीती है वो, कितनी खुशी बा, कैसे जीती हुआ? जिला पंचायत का चुनाव जीता है और बहुत खुशी बा, बहुत मेहनत से जीता है। संघ देहेबान बहुत मेहनत से परिश्रम करे बन तब जीता है, मैं बहुत खुशी। जो लोग विपक्ष में रहन उन सबका का रहा, वहाँ पे परेशान करते रहन? नहीं, परेशान का है, लड़त रहन उतना उतना गाड़ी रेल उनके आगे हम हवा रहे फिर, लेकिन मेहनत करे हमारे पार्टी वाले साथ देहे संगे संगे। तो अब का जीत गए हो, कौन सा काम करे के बाद आ रहा हूँ? अब काम करे के बाद जब मिली ऑर्डर तुम करो। कितनी खुशी है, किस तरह जश्न मना रहे हैं? देखिए, हम जिला पंचायत का चुनाव जीते हैं, प्रधानी का चुनाव जीते हैं, हम जश्न मना रहे कि हमारी शुरुआत अच्छी हो रही है। उसे हमारी सरकार बनी बल नहीं है, लेकिन हमारी शुरुआत और जनता का झुकाव, सारा जनता झुकाव समाजवादी पार्टी और इंडिया की तरफ हो गई है। अब सारे लोग चाहते हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकें, भाजपा भगाओ और इंडिया बुलाओ। आप सारे लोगों के मन में ये विचार आ गया है। कितनी चुनौती थी इस सीट पे जी? कितनी चुनौती थी इस सीट पे? अरे चुनौती, आप देखिए, जहाँ पे एक तरफ अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हों, उनके पति कैबिनेट मंत्री हों प्रदेश में, और उनके लोग दस दस बीस बीस गाड़ी लगाकर हमारे कैंडिडेट के पास तो 1000 2000 4000 रुपया नहीं था, खाली इनके पास क्या था, जनता का आशीर्वाद इनके साथ था। इसके बावजूद भी इनके लिए कुल करने के बाद भी हमारा प्रत्याशी चुनाव जीता। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारी, अब तो हमारे सामने लोकसभा है, लोकसभा पर आप देखेंगे क्या असर पड़ेगा इसकी। जीतने पर जनता का झुकाव, जनता का बात, इससे एक मसाल कहते हैं, एक कहते लोग कि बटी में एक चौल टोया जाता है, अगर एक तो कच्चा नहीं गया कि पक्का है। अब मान लीजिए कि हमारा सब पक्का ही रहेगा, कच्चा नहीं हो सकता। घोसी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? घोसी विधानसभा, घोसी चुनाव को देखिए, वहाँ इंडिया की जीत हो रही है, हम 63,000 वोट से आगे हैं और अब जीत सुनिश्चित उसने चुकी, परंतु लेकिन इसलिए कुछ नहीं है। किसकी हार है ये? ये हार ये भाजपा मोदी की हार है, और किसकी हार है? इतना आतंक मचाने के बावजूद भी वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन वोट देने से वंचित कर रहा था, देने भी नहीं दिया। और क्या क्या हमारे नेताओं को नवाजा नहीं गया, क्या क्या कि इनकी बुद्धि 12 बजे खुलेगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बात करने के बावजूद भी हमारे नेता लोगों के अथक प्रयास से और हमारी जनता के प्रयास से, हम वहाँ की जनता के भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने सत्य पर विजय प्राप्त किया है और बेईमानों और अत्याचारों को हराने का काम किया है। क्या नाम है आपका, जो जीती हैं वो क्या लगती हैं आपकी और कितनी चुनौती थी इस चुनाव में? मेरा नाम है जग्गू कोल, उपपत्नी शील कुमारी, स्त्री जग्गू कोल। मेरा गांव है सरसों ग्राम, और जो ये लड़ाई थी एक शेर बकरी की लड़ाई थी। सर जी, ये लड़ाई एक शेर बकरी की लड़ाई थी, उसमें इतने मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष अनुप्रिया जी के पति आशीष जी, मतलब पूरी ताकत लगी थी, और ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र जी, सारे लोग झोंक दिए थे उसमें, जैसे हवा की तरह उधर आ जाए लोग। लेकिन उसमें हमने मेहनत किया, हमारे राम सुधार जी और शैलेश जी और पार्ट की हमारे खुशी है, और आगे और विधानसभा अध्यक्ष भी गए थे, हमारे जिला अध्यक्ष भी गए थे, और कई लोग मतलब गए, और खुशी तो बहुत ज़्यादा है, खुशी तो बेकरार है कि दुनिया क्षेत्र में जो वादा किए हैं, क्या क्या वादा है, क्या पूरा करने का है?
वादा तो हम कुछ नहीं किए, बस यही कहे हैं आपके सामने देखिए हम गरीब हो, आप भी गरीब हो। वो दौलत वाले हैं, यहाँ पैदल वाले हैं। दौलत वालों और पैदल वालों से अंतर होता है, मैं आपसे गले में गले मिलकर रहना चाहता हूँ और रहता भी हूँ, और मेरा नाम जन जन लोग जानते हैं। प्रिय से हाथ जोड़ के ठीक है कहता, जग्गू दादा आपकी मरतबा आपको हम देंगे, भरपूर वोट दे के जिताएंगे, और उस दौलत से नहीं डरेंगे। ना आप डरो, हम आपके साथ हैं।